आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि इतने कम व्यूज़ और आप अर्निंग देख सकते हैं कि मुझे $1 से ज़्यादा इतने कम व्यूज़ पर मिल चुके हैं। व्यूअर्स आप साइट पर देख सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मिस्टर इस मोटिवेशन से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले साइट पर आप देख सकते हैं कि मुझे इस मंथ टोटल कितने अर्निंग मिले हैं। अब ये अर्निंग मुझे कितने व्यूज़ पर मिले हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में होकर इतना हाई आरपीएम किसी को मिल सकता है? हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल मिल सकता है। अगर इन दो बातों पर किसी ने भी अमल किया तो उनके आरपीएम इस तरह बढ़ सकता है, उनको इतने कम व्यूज़ पर इतने ज़्यादा अर्निंग मिल सकते हैं। व्यूअर्स, आपको प्रैक्टिकल साइट पर मैं दिखा सकता हूँ, आपको मैं रिफ्रेश करके आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, बल्कि ये व्यूअर्स एक हकीकत है, बिल्कुल आप साइट पर देख सकते हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो का आरपीएम भी शेयर कर सकता हूं। आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि इतने कम व्यूज और आप अर्निंग देख सकते हैं कि मुझे $1 से ज्यादा इतने कम व्यूज पर मिल चुके हैं। व्यूअर्स, आप साइट पर देख सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, पाकिस्तान में होकर आपको इतना हाई आरपीएम मिल सकता है अगर आपने इन तीनों बातों पर अमल किया। इन तीनों बातों में मैं दो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तीसरा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप अपने आप से इन पर काम कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन दो बातें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरह आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, कम व्यूज से आप अपने वीडियो पर ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं। इसका सबूत व्यूअर्स साइट पर मैं प्रैक्टिकल आपके साथ शो कर रहा हूँ, रिफ्रेश करके व्यूअर्स, ताकि आपको यकीन आए कि इस पर मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, ये बिल्कुल हकीकत है कि इतने कम व्यू से इतना हाई आरपीएम मुझे मिल रहा है। व्यूअर्स, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है, मैंने मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ डिटेल से शेयर करने हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, हम यूट्यूबर जो मेहनत करते हैं इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि हम यूट्यूब से कुछ कमाएं। तो व्यूअर्स, अब हमारे साथ दो चांसेस होते हैं, एक है हमारे व्यूज ज्यादा हो अर्निंग कम हो, और दूसरे व्यूअर्स ये कि हमारे व्यूज कम हो अर्निंग ज्यादा हो। हमारा जो मकसद है व्यूअर्स वो अर्निंग का है, तो क्यों ना व्यूअर्स हम इस तरीके को फॉलो करें जिस पे हम कम व्यूज से ज्यादा अर्निंग मिलते हैं। तो व्यूअर्स, इनमें सबसे पहले जो आपको कम व्यूज से ज्यादा अर्निंग मिल सकते हैं, इनके लिए आपके अगर 5 से 10 ऐसे ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स या रिश्तेदार आपको ऐसे मिले जो पाकिस्तान से बाहर हो, यानी बाहर कंट्री में हो, वहाँ पर अगर ये 5 से 10 ऑडियंस आपको रेगुलर एक क्लिक दे, आपकी वीडियो पर एक क्लिक करे, तो आपका आरपीएम इतना हो सकता है। हमारे वीडियोस पर सिर्फ 10 ऐसे क्लिक बाहर कंट्री से मिल रहे हैं, वजह से जो आरपीएम है व्यूअर्स साइट पर प्रैक्टिकल मैं आपके साथ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे यही आरपीएम इन 5 से 10 क्लिक की वजह से मिल रहा है। तो आपको भी अगर इसी तरह 5 से 10 ऐसे क्लिक बाहर कंट्री से मिले तो आपका आरपीएम भी इतना हाई हो सकता है, आपको कम व्यूज़ पर इतना ज़्यादा अर्निंग मिल सकता है। तो व्यूअर्स, ये कोई फेक बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसी चंद क्लिक की वजह से जो आरपीएम हमारे वीडियोस का जो हाई हो चुका है व्यूअर्स, मेन रीज़न यही है। तो आपको भी अगर 5 से 10 क्लिक बाहर से मिल सकते हैं तो आपका आरपीएम भी इतना हाई हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये था पहला तरीका। व्यूअर्स, दूसरा तरीका यह है कि आपने वीडियोस कुछ ऐसे क्रिएट करना है जिन पर व्यूज़ बाहर से मिले, और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका चैनल बर्ड्स रिलेटेड है, बर्ड्स वीडियोस है, तो व्यूअर्स बर्ड्स वीडियोस में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं, आपको ओवरऑल सारी दुनिया से व्यूज़ मिल सकते हैं, और बर्ड्स की वीडियोस आपको मार्केट से और जू से आपको आसानी से मिल सकते हैं। यानी आपने ऐसे कॉन्टेंट को क्रिएट करना है जिस पर आप को व्यूज ओवरऑल पूरी दुनिया से मिले, जब आपको व्यूज बाहर कंट्री से मिले तो आपका आरपीएम भी इतना हाई हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब तीसरा एक किस्म का ट्रिक है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो व्यूअर्स वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जब भी आप व्यूअर्स इस्तेमाल करेंगे आपने 8 पर क्लिक नहीं करना, इससे भी आपको जो ऑडियंस है वो बाहर कंट्री से मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। इसके बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, चैनल को भी आप सेफ रख सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसी थ्रू भी आप अपने आरपीएम को हाई कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स, इन तीन तरीकों से आप अपने आरपीएम को इतना हाई कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें।